नमस्कार, आप देख रहे हैं समर्थ सहारा न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूजा। आइए नजर डालते हैं आज की खास समाचारों पर। सिलवानी पुराने थाने के सामने सचिव संघ के द्वारा पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया एवं राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का फूल मालाओं से स्वागत किया गया और ज्ञापन सौंपा, जिसमें प्रदेश के 23,000 पंचायत सचिवों को सातवें वेतनमान से वंचित किए जाने एवं छठवें वेतनमान में सेवा काल की गणना नियुक्त करने एवं विभाग में संविलियन संबंधी मांगों के निराकरण के लिए मुख्यमंत्री एवं पंचायत मंत्री को स्थापित करने के लिए ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें कहा गया कि संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली समस्त ग्राम पंचायतों के सचिव एवं प्रदेश के 23,000 पंचायत सचिव कर्तव्य निष्ठा के साथ 52,000 गांव में सरकार की समस्त योजनाओं और अभियानों को मूर्त रूप दे रहे हैं। प्रदेश में 7,000 कर्मचारियों को सातवें वेतनमान और उनकी नियुक्ति दिनांक से सेवा काल की गणना करने प्रदान किया गया। मात्र 23,000 पंचायत सचिवों के सातवें वेतनमान से वंचित रखा गया। वहीं छठवें वेतनमान में सेवा काल की गणना नहीं की गई, जिससे पंचायत सचिवों को 5 से 6 हजार का प्रतिमाह नुकसान हो रहा है एवं पंचायत सचिवों का पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में संविलियन नहीं होने से समस्त कर्मचारियों की सुविधा नहीं मिल पा रही है। ज्ञापन सौंपने वालों में देवेंद्र सिंह रघुवंशी अध्यक्ष सचिव संघ, संजीव मिश्रा, सुरेश रघुवंशी, हनुमत रघुवंशी, राकेश रघुवंशी, भगवान सिंह, हरिराम रघुवंशी, गणेश राय, दिनेश राय, राम गोपाल, राजा राम, ब्रजमोहन रघुवंशी सहित अन्य उपस्थित रहे। अरे लोकेश, ऐसे जा थोड़े।